और बताएं आपको कि धनबाद में कोरोना पॉजिटिव दूसरा मरीज मिल चुका है और इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप है और अब पूरे सूबे का आंकड़ा हम कहें तो 34 हो गया है कोरोना पॉजिटिव को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का दूसरा मरीज सामने आया, उस पूरे इलाके को, उस कॉलोनी को, उसके साथ ही जो 3 किलोमीटर का एरिया है वहां पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं और पूरा इलाका भी सील कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक धनबाद से और उनके साथ जुड़े हुए हैं उपायुक्त। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, प्रशासन किस तरह से अब तैयारी कर रहा है, बातचीत कर रहे हैं वो, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक। और उनसे जो है वो ये पता करने की कोशिश करें कि और भी कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है किसी तरह के सिम्टम वाले जो है वो। देखिए एक बात और है कि यहाँ पे वो व्यक्ति कर्मचारी के तौर पे बतौर काम करता था लेकिन उसका रिश्तेदारी ससुराल जो है वो गुम हो, तो दोनों जगह एक समन्वय बनाने की जरूरत होगी, धनबाद को भी और बोकारो को। इसमें 3 सदस्यीय कमेटी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के डिटेल काम जो है वो कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, कितने देर तक मिले हैं, इन सभी चीज़ों का डिटेल जो है वो ट्रेसिंग करने का काम जो है वो 3 मेंबर्स कमेटी है जिसमें एक DSP, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। इनके माध्यम से निश्चित रूप से इनके जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जहाँ पर ये मिले हैं पिछले 15 दिनों 20 दिनों के अंदर में, उनको हम लोग निकाल करके अगर संबंधित जिला से भी मामला आता है तो उनको भी हम लोग सूचित करने का काम करेंगे और इस जिले में जो जो लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको आइसोलेट करने का काम और उनके टेस्टिंग करने का काम जो होगा। एक और आखिरी सवाल है कि अब चूंकि सैनिटाइजिंग मास लेवल पे करना होगा और इस इलाके के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए या पूरे आसपास के इलाके में समूहों को खतरा हो, तो अब क्या बचा है हमारे पास कि आगे क्या होगा? नहीं देखिए अब जो है वो हमारी चुनौती ये है कि इसको हम कैसे इस संक्रमण के चेन को तोड़ें और ये तभी तोड़ पाएंगे जब इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएं, उनकी टेस्ट कर पाएं और उसको जो है वो आइसोलेट करते हुए उनका जो है वो ट्रीटमेंट हम लोग कर पाएं। ये तमाम चीज़ें जो है वो जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है कि सर्विलेंस का काम, उसके बाद से टेस्टिंग का काम और उनके क्योर का काम, ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। मेरी अपील यही होगी धनबाद वासियों से कि वो अब लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो फॉलो करें और जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका सख्ती से अनुपालन जो। देखिए प्रिवेंशन देन क्योर, यहाँ पे SSP साहब भी हैं सर, सबसे ज़्यादा कोरोना योद्धा के तौर पर अगर कहें तो प्रशासन में अग्रिम पंक्ति में हमारे पुलिस के जवान काम कर रहे हैं, तो बैरिकेटिंग बढ़ाई गई होगी, इलाके को सील करने के साथ साथ लोगों को बताना होगा कि भाई अब जरूरी हो गई है कि लॉकडाउन के सख्ती से, तो ऐसे में पुलिस की काम और पुलिस के लिए कितने ज़्यादा बढ़ गए और कितनी चुनौतियाँ हैं? नहीं, पुलिस का कार्य ये है अभी सबसे महत्वपूर्ण काम आपदा प्रबंधन करना है और उसको लेकर जो भी जगहों पर, कुमारधुबी में पहला केस आया, दूसरा केस DS कॉलोनी में आया, तो इस मध्य रात्रि से ही हम लोगों ने इस पूरे एरिया को मैप करके जो भी यहाँ के एग्जिट एंट्री रूट्स थे उनको सील किया है। लगभग 12 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर फोर्सेस ऑलरेडी मध्य रात्रि से ही हम लोगों ने डिप्यूट किया है, मजिस्ट्रेट्स और बाकी चीज़ों का भी जॉइंट ऑर्डर बस निकलने ही वाला है। तो इस संदर्भ में हम लोग की पूरी तैयारी है कि एरिया पूरे तरीके से सील रहे और जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं जैसा आपको उपायुक्त महोदय ने भी बताया उसको पूरी तरीके से अक्षरशः हम लोग पालन करें और न केवल इस कॉलोनी को सील करने की बात है बल्कि आसपास का जितना भी क्षेत्र है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूरे शहर में लगभग 25 चेक नाके लगाए हुए हैं जिसमें लगातार हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लोगों को रोक टोक कर रहे हैं और जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार अपील करना चाहूँगा, खास करके ऐसी परिस्थिति में जबकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जिले में 2 मामले आ चुके हैं, बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग जो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं और सब्जी मार्केट या फल मार्केट में इस प्रकार की भीड़ लग रही है तो कृपया करके इस चीज़ से बाज आएँ, अदरवाइज प्रशासन आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। तो आपने सीधी तस्वीर देखा इस वक्त उपायुक्त महोदय और SSP का, यहाँ पे देखिए उन्होंने जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद यहाँ से पूरी प्रशासनिक अमला जो है वो दूसरे इलाके में यहाँ से वो प्रवेश करेंगे और पूरे इलाके का, यहाँ पे देखिए ये पूरी प्रशासनिक अमला जो है कॉलोनी का जायजा ले रही है और जायजा लेने के साथ यानी कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है अभिषेक, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और उस कॉलोनी को पहले तो सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ वहां के जो बाशिंदे हैं उन्हें खास तौर पर हिदायत दी गई है कि अगर बेवजह अगर वो निकलते हैं घरों से तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी हमें देने के लिए और तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो धनबाद की तस्वीर हम तक साझा कर रहे थे सहयोगी अभिषेक।